चैनल यू नंबर वन। फ्रेंड्स 20 सितंबर 2019 रिलीज हुआ डायरेक्टर सनी देओल एंड लीड रोल करण देओल का मूवी पल पल दिल के पास मूवी का कलेक्शन फर्स्ट डे से ही अच्छा नहीं हुआ है। मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया है जस्ट 1.12 करोड़, जहां पर मूवी का सेकंड डे कलेक्शन होता है 1.40 करोड़ एंड मूवी ने कल यानी थर्ड डे में कलेक्शन किया है 1.90 करोड़। और इसके साथ ही मूवी का फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन हुआ है 4.42 करोड़, जहां पर आज इस मूवी का कलेक्शन हो सकते लगभग 50 से 70 लाख अप्रोक्सीमेटली। सो ये मूवी तो सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। जहां पर इस मूवी के साथ रिलीज हुआ लीड रोल सोनम कपूर का मूवी द जॉय फैक्टर मूवी का कलेक्शन और भी ज्यादा कमजोर हुआ है। मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया है 85 लाख, जहां पर सेकंड डे में भी मूवी का कलेक्शन हुआ है 85 लाख एंड कल मूवी का कलेक्शन और भी ज्यादा कमजोर हुआ है। मूवी ने कल यानी थर्ड डे में कलेक्शन किया है जस्ट 80 लाख, इसके साथ मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 2.50 करोड़। सो ये मूवी भी इंडियन बॉक्स ऑफिस में सुपर फ्लॉप कलेक्शन है, जहां पर आज इस मूवी का कलेक्शन हो सकते है लगभग 30 से 50 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो आप चलिए देखते हैं इस दोनों मूवी के साथ रिलीज हुआ संजय दत्त का प्रस्ताना मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स पस्ताना मूवी का कलेक्शन भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ है। मूवी ने फर्स्ट डे में कलेक्शन किया है जस्ट 80 लाख, जहां पर मूवी का सेकंड डे कलेक्शन हुआ है जस्ट 1 करोड़ एंड कल भी मूवी का कलेक्शन ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। कल यानी थर्ड डे में इस मूवी ने कलेक्शन किया है जस्ट 1.25 करोड़, जिसके साथ मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 3.05 करोड़, जो इंडियन बॉक्स ऑफिस में सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। जहां पर इस तीनों मूवी के साथ ही लीड रोल सिल्वेस्टर स्टोलन का इंडिया में रिलीज हुआ अमेरिकन एक्शन फिल्म रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी कलेक्शन भी कमजोर हुआ है। मूवी ने फर्स्ट डे में इंडिया में कलेक्शन किया है 83 लाख, जहां पर मूवी का सेकंड डे कलेक्शन हुआ है 1 करोड़ एंड मूवी ने कल यानी थर्ड डे में इंडिया में कलेक्शन किया है जस्ट 1.20 करोड़। सो नाउ इंडिया में मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 3.03 करोड़, जो इंडिया में फ्लॉप कलेक्शन है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।